दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के साथ भी भारी मात्रा में पैरामिलिट्री जवानों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान खास तौर से एक दूसरे राज्यों से आने वालों पर नजर रख रहे हैं। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी से आने वाली गाड़ियों पर खास नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। संदिग्ध गाड़ियों को रोककर उसकी तलाशी ली जा रही है। गाड़ी के कागजातों को चेक किया जा रहा है, जिसकी वजह से NH-24 पर भारी जाम की स्थिति है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। सोमवार की वजह से सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक है। लोगों को ऑफिस जाने में परेशानियां हो रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा आनंद विहार के महाराजपुर बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग की गई है। बताया जा रहा है रामलीला मैदान में आयोजित रैली में 15,000 से 20,000 किसान शामिल हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर रामलीला ग्राउंड और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।